पीछे बहुत सारे कबूतर हैं और मैं इस वक्त सोच रही हूँ इसको ना बैकग्राउंड से लेकर के सारा मैं विज़िट कराऊँ आपको। मैं देखती हूँ इसकी कहीं पे डिटेल वगैरह लिखी हुई है ना, तो वो पढ़ते हैं कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के हवाले से कोई डिटेल्स वगैरह अगर मुझे मिलती हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे एक बहुत पुराने ज़माने के दरवाज़ा सा नज़र आया, वो मैं आप लोग को दिखा। आई विश आप लोग को दिख रहा हो, ये इसका पीछे की साइड है। मैं पूरे का पूरा जो है वो आपको राउंड में एक चक्कर दिलाती हूँ कि इसके पीछे क्या है। ये कुछ कबूर हैं कुछ लोगों की। एक ये भी दरवाज़ा है, ये भी बहुत पुराना सा लग रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे इस वक्त नहीं दिख रहा कुछ भी, अंधेरा है बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सारी कबूर वगैरह हैं, इनकी डिटेल कहीं पे लिखी नहीं हुई, जस्ट नेट पे ही पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से एक अच्छे से हम लोग इसके फुटेजेस लेते हैं, फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं अंदर जाने के लिए भी। यहाँ से कुछ रास्ते भी वगैरह भी बाहर निकल रहे हैं। आई डोंट नो उस साइड पे क्या है, पार्किंग है या क्या। सो मैं पहले आपको पूरा का पूरा जो है वो विज़िट करा दूँ यहाँ से, ऐसे घूम फिर के, फिर इसके अंदर जाने के लिए ट्राई करते हैं कि अंदर जाते हैं, दुआ मांगते हैं। और ज़ोहर का जो वक्त है वो हो गया हुआ है। यहाँ से कहीं से मैं देखती हूँ पिक्चर एक अच्छी कलेक्ट हो सके तो। और ये जनाब वहाँ से फिर वापस उस साइड के चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ मज़दूर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर की जो है वो भी काम चल रहा है। सामने इसकी एंट्रेंस है और ये मैं दूसरी वाली साइड पे आ गई हूँ इसके। यहाँ से एक अच्छा सा एक फुटेज लेते हैं इसका, ताकि आप लोग को भी मज़ा आए। सामने कबूतर ही कबूतर है, पता नहीं इन लोगों को यहाँ पे क्यों रखा हुआ होता है, बट हैं हर दरबार पे होते हैं। काफ़ी बड़ा आहाता है इसका खुला सा। दरबार के अंदर से आ रही हूँ। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया का जो है वो मज़ार है। यहाँ पे एक ये कुआँ है, इस कुएँ के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो डिटेल्स हम लोग देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है इसकी डिटेल्स। ये कुआं जो है बाकिर ख़ान ने तामीर करवाया था जब वो इनकी शाहजहाँ शहनशाह जहांगीर की उसमें आया था, उसका गवर्नर मुकर्रर हुआ था, तो उसने लोगों के यूज़ के लिए बनवाया था। लेकिन आजकल ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे शाहरुख ने आलम के दरबार की तरफ और देखते हैं कि कैसा है क्या है। तो अभी हम लोग जो है वो शाहरुख ने आलम के दरबार की तरफ जा रहे हैं
और यहाँ पे किला कासिम कोहना भी है, वो भी देखते हैं, शायद इसी के अंदर ही है, इसी बिल्डिंग के अंदर ही है कहीं पे ना, वो भी सर्च करते हैं। मैंने आपको बताया था ना ये पार्क है, तो ये पार्क होगा आई थिंक, वही यहाँ पर ही होगा, ये इसी बिल्डिंग के इसी मतलब प्रेमिसेस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आसपास में वो आपको मिल जाती हैं। तो अभी ये चूड़ियाँ वाली है, कह रही है बाजी चूड़ियाँ पहन लो, और मैंने ज़िंदगी में कभी चूड़ियाँ नहीं पहनी, पता नहीं क्यों चिड़ा मुझे चूड़ियों से। ये रहा कासिम पार्क। कितने दिन आई हैं, दर्जन कितने दे दे रहे हो? मैं वीडियो ले ला दी, बूढ़े बंदे तो इन्ने खूबसूरत होंगे ना, इधर वेखो सर उतर तको। सो ये है कासिम पार्क, यहाँ पे किला है, किला कोहना कासिम, तो आई थिंक ये इसकी एंट्री है। Run. पूछना पड़ेगा इसकी एंट्री कहाँ से होती है, मुझे गेट्स वगैरह बंद लग रहे हैं मुझे। वह आगे की तरफ हम लोगों ने जाना है, वहाँ पे है शाहरुख ने आलम का दरबार। ये तो एंट्री बंद लग रही है, हो सकता है कोई और गेट हो अंदर एंटर होने का, देखते हैं। ये पार्क में जाएं तभी तो पता चलेगा क्या है, रुको इसमें कुछ लिखा हुआ है, रॉकेट लॉन्चर है क्या है ये, आई हैव नो आइडिया। और इतने सारे सोलर्स रखे हुए हैं, पता नहीं किस यूज़ में आते हैं, बट ओके। यहाँ पे खुद से उससे जूतियाँ, सिटी ऑफ सेंट्स, जैसे मुल्तानी जूता कौन सा है ये तो पता ही नहीं है मेरे को। सो इस वक्त हम लोग दरबार की एंट्रेंस में जो है वो पहुंच चुके हुए हैं, पर दो हजरात का रास्ता, खवातीन का रास्ता कौन सा है, तो मैं पूछती हूँ ज़रा। सो ये एंट्रेंस है इसकी, सो इस वक्त मैं शाहरुख ने आलम के जो है वो अहाते में खड़ी हुई हूँ, ये उनका दरबार है। इसकी भी हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ से हम लोग को मिलती है, वो मैं आप लोग के साथ में जो है वो शेयर करती हूँ। ये पीछे मेरा एंट्रेंस है इसकी, और इसका भी आई थिंक मैं आपको एक राउंड दिला देती हूँ कि ये किला किस तरह से दिखता है। के अंदर मौजूद हूँ, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं। सो ये उनकी कब्र है, और यहाँ पे मैं हूँ इस वक्त मौजूद, और ये भी बहुत सारे कपूर हैं यहाँ पे, किन की है वो पता नहीं, इनके बारे में मैं देखती हूँ कहीं पे, यहाँ पे अंदर तो नहीं लिखा हुआ, पर मैं देखती हूँ कहीं पे अगर कुछ लिखा हुआ तो वो मैं फिर वो भी कॉपी कर लेती हूँ, ताकि हमारे पास ओरिजिनल और ऑथेंटिक जो एक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आ जाए। तो मैं आप लोग को दिखा दूँ शाहरुख ने आलम का दरबार के चारों तरफ से, ये सामने पता नहीं क्या है कुछ, वो भी
चीज़ें वगैरह रखने के लिए रखा हुआ है इन्होंने। सो यार अगर आप किसी को दुआ नहीं दे सकते ना तो उसको वह दुआ भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अगर हम नहीं बिलीव करते कि ये चिराग वगैरह जलाऊं या कुछ करूं तो इट डजेंट मीन कि आप उसको ये बोलोगे कि आपके घर के चिराग जलते रहें। इस तरह की बातें करना ना छोटे लोगों का काम होता है, छोटी जहनीत के लोगों का काम होता है। खैर मैंने तो कोई फ़र्क नहीं बनता है दिनाल कि भाई किसी की गल करन दे हो कि नहीं करन दे, पर फिर भी वो आप पे डिपेंड करता ना, आपने किसी को कुछ देना या नहीं देना, कुछ आपने यू नो चिराग जलाने हैं नहीं जलाने हैं। मुझे नहीं जलाने हैं, मैं इसलिए नहीं जला रही। अभी वो सामने पता नहीं क्या है, मैं वहाँ पे चल के देखती हूँ। फिर अभी जो है वो मैं उस तरफ जा रही हूँ, पता नहीं इसके नीचे आई थिंक जो शहर है वो दिखेगा। मेरे पाँव में पत्थर लग गया। सो ये है दरबार। इस दरख्त के ऊपर शापर बंधे हुए मन्नतें मानी हुई हैं, अगर आप लोग देख सकें तो। शुक्र है दरख्त के ऊपर धागे नहीं बांधे हुए, वरना वो भी मन्नतें होती हैं। ऐसे गोल गोल धागे बांध के ना फेरे लिए जाते हैं इसके साथ, दरख्तों के साथ में। तो आज के दिन में एक और प्लेस जो है वो हम लोगों ने विज़िट कर ली, शाहरुख ने आलम का दरबार। इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कहीं पे भी लिखी हुई मिली, तो वो हम लोग को इंटरनेट से मिल जाएगी, फिर हम लोग उसी को ऑथेंटिक मान के ना उसी के ऊपर वर्क करेंगे। अच्छी बात यह है कि सारी जो प्लेसेस है ना वो एक ही जगह पर आपको मिल जाती हैं। बस ये है कि घर से थोड़ा खाना वाना खा कर आएँ आप लोग, जब आपको इतनी वॉक करनी पड़े ना तो आपके अंदर स्टेमिना हो। मेरे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं इसके लिए, अभी चलते हैं अंदर चल के देखते हैं। तो आई तो थी मैं यहाँ पे कि मुझे किला मिलेगा देखने के लिए, जैसे शाही किला है हमारा या इस तरह के बहुत सारे किले हैं, वो तो नहीं मिला मुझे, पार्क मिल गया है। कासिम पार्क के नाम से है ये, उसकी हिस्ट्री क्या है ज्योग्राफी पता नहीं। वो सामने पीछे ये दमदमा म्यूज़ियम है, यहाँ से पता चल सकता है, लेकिन मैं जैसे ऐसे दूर दूर से दिखाती हूँ। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया तब भी इसको पसंद कर लें, ठीक है, और लाइक कर लीजिएगा। और ये प्लेसेस जो हैं वो लाजमी आप यहाँ अगर कभी मुल्तान आए तो इनको लाजमी विज़िट करिएगा। डे लाइट में तो ये आप लोग विज़िट कर सकते हैं, लेकिन नाइट नाइट में आप लोग विज़िट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि यहाँ पर फिर कुछ होता ही नहीं देखने के लिए। और जो ये कासिम पार्क है ये 2 बजे ओपन होता है, दूसरे जो इसका मेन एंट्रेंस है वहाँ से यहाँ से ओपन है, यहाँ से आप जितना मर्ज़ी अंदर घूमो फिरो जाओ और कुछ भी करो। ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में भी आप लोग लाजमी आइए विज़िट करिए। मैंने जो जो चीज़ें आज आप लोगों को दिखानी थी वो तो दिखा दी हैं, और यही वाला जो पार्ट है मैं सारी वीडियोस में डालूंगी। सो मेरे अगले व्लॉग तक के लिए शाजिया सईद को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरे वीडियोज़ कैसे लगे हैं और ये विज़िट कैसा लगा है।